सिलाई की चौड़ाई कम ज्यादा करने के लिए दो होती है सिलाई, सिलाई एक लंबाई और एक चौड़ाई, तो ये क्या कम करता है, चौड़ाई कम करता है या उसको ज्यादा करता है, ठीक है। इस मशीन में चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है, ठीक है। ये क्या है, आप बॉबी वाइंडर समझे, आपको बताया था, बताओ क्या होता है, जिसके द्वारा बॉबिन के अंदर धागा ये क्या है, सबको पता है इसके बारे में, सबने देखा है, ठीक है। इस मशीन के बेसिक पार्ट्स यही है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। फुट कंट्रोल, प्रेशर फुट लिफ्टर, नीडल, नीडल प्लेट, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, उसमें प्लेट थी स्लाइडिंग प्लेट, इसमें स्लाइडिंग बॉक्स है, इसलिए अपनी एसेसरीज, धागे की रील, बॉबिन केस वगैरह, सुई वगैरह रखने के लिए, ठीक है। पीटी लीवर सबने बताया था, पीटी लीवर ज्यादा अच्छा बोला ना, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, हर एक चीज एक चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, रिलेशन, ठीक है। फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन सब होते हैं, सब एक दूसरे जुड़े होते हैं, तभी परिवार अच्छा चलता है, सेम वैसे ही है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जब तक वो एक दूसरे के अनुसार नहीं चलेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, वो सिलाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। वही चीज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है तभी सिलाई आती है, ठीक है। आप वीडियो ध्यान से देखो, पहले सारी चीजें समझो, पहले इसके अंदर आपको कितनी चीजें दिखाई देंगी, देखो आपका टेंशन yes, समझाओ उसके बारे में, टेंशन के बारे में क्या बताया था, धागा अगर लूज जाएगा तो नीचे की सिलाई बेकार आएगी, टाइट होगा तो धागा टूटेगा, ठीक है। टेंशन का ठीक होना बहुत जरूरी है। दूसरा पीटी लीवर क्या काम कर रहा है, धागे को ऊपर नीचे लेके जा रहा है, क्यों बताओ, बताओ क्यों, वेरी गुड, इसको सुन में आया, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले डेलिमिट इसमें ध्यान से सुनो, वही जब आप देखा वो जब देखा उसे सारे आदमी सुन लिए, क्योंकि देखो वही आप भी नहीं देखे है, आप लोग बोलते ही वो मैडम को आप भी देखते थे, मैडम की आंखें देखते थे और आप लोग अलग से देखते थे, बताओ ना अपनी देखो हम लोग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास में क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास में सिखाया है उसे थोड़ा सा एडवांस हम सेकंड क्लास में सीखते हैं, लेकिन अच्छा कौन सीख पाता है जिसने फर्स्ट क्लास में अच्छे से सीखा होता है, तो आपने पहली क्लास अच्छे से अटेंड कर ली, अब आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से बहुत प्यार से सीख जाओगे। टेंशन धागा बिल्कुल स्मूथ आ रहा है, ना ज्यादा टाइट है और ना ज्यादा ढीला है, उसके बाद पीटी लीवर क्या कर रहा है, धागे को काम नीचे लेके जा रहा है। अब आप पीटी लीवर को ध्यान से देखो, जब वो नीचे आ रहा है तो नीचे धागा लूज है टाइट है, जब वो ऊपर जा रहा है धागा लूज है टाइट, ध्यान से देखो बिल्कुल है। एक्चुअली क्या है कि हमारी सुई नीचे जा रही है, सुई के साथ धागा भी नीचे जा रहा है, सुई जैसे ही हल्की सी, देखो आपस से बात करो तो समझ नहीं पाओ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि सिलाई होती कैसे है, मशीन तो सिलाई कर रही है लेकिन सिलाई होती कैसे है, एक्चुअली वो सिलाई बनती कैसे है, जब हमारी सुई नीचे जा रही है उसके साथ साथ धागा भी नीचे जा रहा है, जैसे ही सुई पूरी नीचे जाकर हल्की सी ऊपर उठती है ना, तो नीचे क्या होता है, जहाँ पे सुई का होल होता है, सुई का होल आपने